Hi, my name is Aditya. I'm from Bhiwani and I'm suffering from this disease since 2 years. I'm really very frustrated with this thing. यहाँ आके सर के पास और सर्जरी करवाने के बाद अब मैं रनिंग कर सकता हूँ, दोबारा से नॉर्मल फील कर रहा हूँ. पहले क्या होता था, टेक्निकली हाउ इट स्टार्टेड एंड व्हाट ऑल यू डिड फॉर दिस? ऑल दिस वाज स्टार्टेड विद अ सॉलिड एंड हैवी इचिंग. इचिंग से शुरू हुआ सब कुछ. ऐसा लगने लगा जैसे कुछ अंदर बहुत ज़्यादा कुछ हैवी कुछ हो गया है. पेन हुई थी, हार्ट स्टूल आया था. हार्ट स्टूल पेन और अनपीरियोडिक स्टूल्स हो गए थे बिल्कुल. काफ़ी परेशान रहा और फिर उसके बाद सडनली स्वेलिंग स्टार्ट हो गई. पस हो गया, उठना बैठना मुश्किल हो गया. ऐसा तो नहीं था कि पाइल्स का ट्रीटमेंट ले रहे थे या फिशर का ट्रीटमेंट चल रहा था काफ़ी टाइम? नहीं, कुछ भी नहीं. इचिंग इचिंग एंड पेन. हाँ, इचिंग एंड पेन. फिर विद द प्रोग्रेशन मेरे को स्टूल पास करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई. पेन, वेरी पेन. ब्लड एंड पस बहुत कम रहा क्योंकि वो मे भी शायद बाहर वाला नहीं था, अंदर अंदर हुआ जो भी हुआ मुझे पता भी नहीं चला. बाय द टाइम मैंने रियलाइज कि कुछ है अंदर, तब तक वो काफ़ी बढ़ चुका. डेढ़ दो साल के बाद मुझे समझ आया हो क्या रहा है. मैं जब तक बर्दाश्त करता रहा उस बीच मेरी रनिंग एक्सरसाइज मेरी नॉर्मल लाइफ सब कुछ सफ़र कर गई. अब काफ़ी ठीक हूँ मैं, काफ़ी नॉर्मल फील कर रहा हूँ. जी, मैं होम्योपैथिक स्टार्ट करी थी इसके लिए, लेकिन वो मेरे से प्रॉब्लम को दबा रही थी, उसने मुझे हील नहीं करा. होम्योपैथी आपने कितना टाइम के लिए ट्राई किया? 10 टू 11 मंथ्स. ओके, ऑलमोस्ट 1 ईयर. ऑलमोस्ट 1 ईयर मैंने होम्योपैथी ली है. ओके, ठीक नहीं हो रहा था उससे. कुछ ऐसा होता था कि जब मैं वो कंटिन्यू रखता था मेडिसिन तो डेढ़ महीना दो महीना बिल्कुल ठीक रहता था. लगता था कि अब ठीक हो गया. तो एक्चुअली योर प्रॉब्लम स्टार्टेड विद डीप फेशियल. इफ पट्टी के रास्ते में कट लगता था स्टार्टेड विद दैट, जिसको नॉर्मली लोग पाइल्स बोलते हैं. तो पाइल्स समझ के हम पाइल्स कट, एक्चुअली वो पाइल्स नहीं, वो फिशर था. वो कट रहा था कॉन्स्टेंटली, कटते कटते फाइनली वो इंटरनली कट गया. ठीक है, अंदर पूरा जैसे एक तरह से पाइप फट जाती है, तो फट गया तो वहाँ से फिर लीकेज शुरू हो गई. फिशर का जो इग्नोर ट्रीटमेंट हुआ, या तो लोग रेमेडीज करते रहते हैं या अलग अलग तरह की मेडिसिन खाते रहते हैं, एलोपैथी भी खाते हैं, होम्योपैथी भी खाते हैं, आयुर्वेदिक भी खाते हैं. बट अगर कोई चीज़ फट गई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं रास्ते में प्रॉब्लम है. इफ इट कीप्स ऑन टेयरिंग टेयरिंग, डेट लीड्स टू फिस्टुला फॉर्मेशन. तो वो जो पाइल्स, जिसको समझ के फिशर को पाइल्स समझ के ट्रीट कर रहे थे, वो फिस्टुला बन गया और फिर उसके बाद ये कॉम्प्लिकेशन आनी शुरू हो गई. देन आई थिंक आपने एक सर्जरी भी करी, उसके बाद भी आपको कोई कम्फर्ट नहीं हुआ. उसके बाद मैंने बहुत एलोपैथी के मेडिसिन लिए, एंटीबायोटिक सिक्स मंथ्स एंटीबायोटिक खाने का कोई मतलब नहीं. जब तक अंदर इन्फेक्शन का सोर्स है उसको ठीक नहीं करेंगे, तो हम कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी, कोई एनी अदर मेडिसिन होगा. ओनली थिंग इज ये कम ज़्यादा तब होगा जब कॉन्स्टिपेशन आपकी ठीक रहेगी, थोड़ा कम हो जाएगा. जैसे हार्ट स्ट्रोक होना शुरू होएगा ये बढ़ जाएगा. दिस इज द यूजुअल मैकेनिज्म ऑफ एनी फिस्टुला. अब वैसे नॉर्मल ड्यूरिंग ट्रीटमेंट कोई परेशानी रही है आपको? दर्द दर्द कई नॉर्मल होता है आदमी, जैसे पहले ऑपरेशन किया था तो बहुत दर्द था. नहीं, लेप्रोस्कोपी में बहुत आराम से हुआ सब कुछ. जितना एक नॉर्मल सर्जरी में होता है लेप्रोस्कोपी में उतना तो होना ही है, वो तो हुआ, बट कोई उसके साइड इफेक्ट्स नहीं थे. जो शुरू में दर्द होता हो तो होता ही, अदरवाइज बट ऑल मैनेजेबल. मतलब ऐसा नहीं आप वर्क करते रहे? हाँ, मैं अपना नॉर्मल रूटीन को फॉलो करता हूँ. बेड पे नहीं, ऐसा नहीं कि जैसे बेड रेस्ट हो गई 15 दिन महीना ये सब चीज़ें? ऑल
और कुछ मैडम आप पूछना चाहेंगे इस बीमारी के बारे में, सर से कुछ डाउट्स पूछने हो या अपना कुछ एक्सपीरियंस बताना हो आपको? No, it was a great experience coming here, and it was fine seeing doctor here, and he has treated my son very well, and I'm very happy. Thank you.